हम जब मैच्योर होने लगते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग नज़रिए से दिखने लगती है और यही नज़रिया हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कभी हम फेल होते हैं तो कैसे हम उसे हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर एक ऐसा सेंस डेवलप करती है जो हमें नया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन पर लगातार काम करने से हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम एक बेहतर इंसान बनते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बनते जाते हैं। तो सबसे पहले, स्किल एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली लाइफ में आ रही चुनौतियों से लड़ने का माइंडसेट हमें देती है, हमें उनसे डील करना सिखाती है। इसमें सबसे पहले आपको ये बात समझनी होती है कि हम किसी भी फेलियर को कैसे फेस कर सकते हैं और कैसे हम किसी भी रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ कभी भी एक जैसी नहीं चलती, यही अगर नेगेटिव बात है तो यही पॉजिटिव भी है। और फिर आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो शुरू में फेल हुए थे, मगर जब लोगों ने उसमें सुधार किया और जब दोबारा अपनी वापसी की तो सक्सेस उन्हें जरूर मिली। यहाँ तक कि लाइव एग्जाम्पल चंद्रयान है, जो पिछली बार ठीक तरह से नहीं हुआ था, मगर इस बार थोड़ा बहुत चेंज करके हमने चंद्रयान 3 को बहुत अच्छे से मून पर लैंड करवाया और भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह से जब हम लाइफ में फेल होते हैं या रिजेक्शन मिलता है तो हमें अपने आप को नई तरह से एक बार और मौका देना चाहिए या अपनी काबिलियत पर और काम करना चाहिए जिससे एक अच्छी कामयाबी हमें मिल सके। इसके बाद है, हमें समझना चाहिए कि हम किसी रेस का हिस्सा नहीं है। रेस हमेशा आपको दूसरों से जीतने पर फोकस करवाती है और जबकि आपका टारगेट आप खुद हो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपने कल कौन सी चीज अधूरी छोड़ी थी और आज कहां से दोबारा काम शुरू करना है। जब हम सिर्फ खुद की कमियों पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें कहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर हम कंपैरिजन में ये भूल जाते हैं कि हमें पहले अपनी चीजों को देखने की जरूरत है। कंपेयर करने से हम सिर्फ उनको नोटिस करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा है, हमें भी वही चाहिए, पर खुद पर ध्यान देने से हमें समझ आ जाता है कि हमें खुद की कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जब आप अपने रास्ते पर ध्यान देते हो तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फिर आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपसे आगे है और कौन आपसे पीछे, फिर आप सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हो। इसके बाद है, यूनिक बनने पर ध्यान दो और काइंड रहना सीखो। कभी भी बहुत ज्यादा किसी भी बात पर ऐसा ध्यान मत दो कि आपको सिर्फ अपनी ही बात सही लगे और आप दूसरों की बातें बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। और यूनिकनेस जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि सबके जैसा ही आपको बनना है। आपकी खुद की क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है और दूसरे से अलग होना ही आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। तो ऐसा मत सोचो कि जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है, बस जो आप करोगे वो अलग ढंग से करोगे, ये मायने रखता है। इसके बाद है एक ऐसी स्किल जो शायद सब में होनी जरूरी है और वो है गलती को एक्सेप्ट करना। गलती को एक्सेप्ट करना एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं लगता कि हर कोई करता है या दिल से करते हैं। गलती को मान लेना और फिर उसे ना दोहराना या ऐसा कुछ ना करना जिससे आपको ऐसा लगे कि वो सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो ये करना बहुत जरूरी है। गलती हमसे हो जाती है, मगर उसे मानने के लिए एक अंदर से मजबूती चाहिए होती है और फिर उससे सीख लेनी होती है कि हाँ, हम ये सब दोहराएंगे नहीं। ये चीज हमें एक नेक इंसान बनाती है, हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। इसके बाद है अपनी लिमिट और बाउंड्रीज पर ध्यान दो। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कितना ध्यान देना है और कब कौन सी चीज रोक देनी है। जैसे पार्टी और क्लास में से कौन सी चीज चूज करनी है, कब कौन सी चीज को मना करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही क्लास को चूज किया जाए और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पार्टी की जाए। तो इनका बैलेंस बनाना मायने रखता है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कहां पर ना बोलना है, किस चीज को मना करना है, तो आपकी लाइफ में काफी चीजें आसान हो जाती है और आपका टाइम भी काफी ज्यादा बचता है, जिसे आप जहां चाहो वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको टाइम मैनेज पर ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। टाइम मैनेज करने से आपको पता चलता है कि आपको आज कौन सा काम करना है, कितना टाइम किसी चीज को देना है, इसी से आप हर चीज पर ध्यान दे पाते हो। टाइम मैनेजमेंट आपके टाइम को वेस्ट नहीं होने देती। फिर आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी अभी जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे को करना है। उसके बाद जब आप दूसरी चीज पर ध्यान देते हो तो सिर्फ उसी चीज पर फोकस रखो। यानी यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं एक घंटा किसी चीज को दे रहा हूँ तो वो मैं देना चाहता था, यानी ये मैं करना चाहता हूँ। कई बार होता है कि लोग रिग्रेट फील करते हैं या पछतावा महसूस करते हैं कि मैं इस चीज को करना तो नहीं चाहता लेकिन मैं कर रहा हूँ। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं दिन भर सिर्फ मोबाइल यूज करता हूँ। तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ये आपकी आदत है, लेकिन आप मोबाइल में क्या देख रहे हो या मोबाइल को किस तरीके से यूज कर सकते हो वो आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी स्किल मोबाइल के थ्रू भी सीख सकते हो। इंटरनेट पर जो भी आपको सीखना है उसके नोट्स बना लो। यानी आपने मोबाइल तो यूज किया लेकिन अपना टाइम मैनेज करने के लिए आपने उससे क्या सीखा, ये भी मायने रखता है।
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको नई स्किल्स देने पर फोकस करवाती है, आपको नए रूल्स सिखाती है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।